रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं, सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए खास खबर लेकर आए हैं, जो हम सबसे जुड़ी हुई खबर है, जो सूबे के विकास से जुड़ी हुई खबर है, जो देश के विकास से जुड़ी हुई खबर है, और जो ये बताती है कि पड़ोसी से कुछ सीखा जा सकता है। और क्या सीखा जा सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सर्वे में बड़ा खुलासा, शराबबंदी होने से बिहार में आई बहार, लोग शराब में खर्च होने वाले पैसों को साड़ियों, खाने की चीज़ों और संपत्ति पर कर रहे हैं खर्च। अपराध में भी काफ़ी गिरावट। सत्यमेव जयते में शराब पर बड़ी पड़ताल, और ये भी बताएंगे कि आखिरकार पड़ोस में इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। हम और आप सभी लोग ये मानते हैं कि शराब या दारू एक तरह से बुरी है, और इसका इम्पैक्ट भी बुरा होता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, या फिर खुद का स्वास्थ्य, यानी खुद की सेहत। इस बुराई पर साल 2016 में बिहार में बैन लगाया, और उसका असर ये रहा कि बिहार में लोगों की जिंदगी की तस्वीर ही बदलती जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये हर किसी को पता है कि शराब की लत बुरी लत है। फिर पूरा हिंदुस्तान 2000 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब हर साल पी जाता है, यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की शराब। सोच सकते हैं कि इस 1.5 लाख करोड़ रुपयों से क्या क्या हो सकता है, लेकिन सरकारें सोचती हैं कि इस 1.5 लाख करोड़ रुपए पर लगे टैक्स से वो क्या क्या कर सकती है, और इसलिए शराब से सरकारी मोहब्बत खत्म नहीं हो पाती। ये यूपी की महिलाओं की आवाज है कि शराब बंद करो। जिस जनता की मेहरबानी से वो निजाम बनाते हैं, वही जनता की आवाज सुन नहीं पाते। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई तो आते ही सीएम ने बिहार की महिलाओं से वायदा पूरा किया, और 1 अप्रैल 2016 से प्रदेश में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। अब शराबबंदी का असर देखिए। एक स्टडी की गई एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान यानी ADRI और ज्ञान संस्थान विकास प्रबंधन संस्थान यानी DMI ने एक शोध किया और पाया कि बिहार में शराबबंदी से बाहर आ गई है। नई स्टडी के मुताबिक बिहार में महंगी साड़ियों की बिक्री में 1,751% बढ़ोतरी हुई है, यानी जो पैसे शराब में बर्बाद होते थे अब उनसे घरों में मोहब्बत बढ़ रही है। शराब में खर्च होने वाले पैसे अब पोषक चीज़ों पर ज़्यादा खर्च होने लगे हैं, जैसे शहद की खपत 380% बढ़ी है और पनीर 200% तक बढ़ गया है। इतना ही नहीं, 19% परिवारों ने उन पैसों से नई संपत्ति ली है जिसे वो पहले शराब में उड़ा देते थे। रिपोर्ट के मुताबिक दूध की बिक्री 40%, फ्लेवर्ड मिल्क की बिक्री 28%, लस्सी की बिक्री करीब 20% तक बढ़ गई है, महंगे कपड़ों में 910%, प्रोसेस्ड फूड में 46%, फर्नीचर में 20%, खेल से जुड़े सामान की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये तस्वीरें बताती हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहती हैं, दुर्गा शक्ति ही खड़ी रहती है। बिहार में भी यही हुआ था, और आज 58% महिलाएं मानती हैं कि अब उन्हें अधिक सम्मान मिल रहा है।
परिवार में निर्णय लेने के मामले में उनकी भूमिका बढ़ी है। वहीं 22% ने कहा कि अब तो गाँव के मामले में उनसे भी राय ली जाती है। मधुशाला बंद होने से क्राइम भी कम हुआ है। अपहरण के मामलों में 66.6% की गिरावट आई है। हत्या के मामलों में 28.3% और डकैती के मामलों में 2.3% की गिरावट आई है। ये तस्वीर बिहार की है। सोच सकते हैं ये शराब की बोतलें किस कदर बिहार को बर्बाद कर रही थी। बर्बादी की वो बोतलें यूपी की रगों में अभी भी दौड़ रही हैं। अंदाजा लगाइए, पिछले एक महीने में हमने शराब से जुड़ी 531 खबरें दिखाई, जिसमें सबसे ज्यादा अवैध शराब बरामद करने में जुटी पुलिस की खबरें थी। शराब तस्करी के अलावा शराब की वजह से हंगामा, शराब पीने से मौत, शराब की दुकानों को लेकर पब्लिक का विरोध, ऐसी तमाम खबरें हैं जो शराब से बिगड़ते माहौल को दिखाती हैं। और ये रोज की बात है, एक बड़ी मशीनरी शराब की बिक्री से लेकर शराब की तस्करी तक के लिए लगी है। बिहार ने दारू को छोड़कर जैसे तरक्की की राह पकड़ ली है, वो डिमांड आज पूरे देश की है, ताकि इस देश की तस्वीर और सूरत दोनों बदल सके। सत्यमेव जयते। तो आपने देखा बिहार में क्या फर्क आया है, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार के अंदर क्या परिवर्तन आया है, और एक सिर्फ एक शराबबंदी से। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, और आपको बताने वाली हो जाती है, ताकि हम सब इस पर चिंतन भी करें, मनन भी करें, और इसको इम्प्लीमेंट करें, यानी कि उसको अपने जीवन में लाएं, और सरकारें भी सोचें कि आखिरकार हम शराबबंदी करने के बाद इस देश को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, अगर शराबबंदी करनी है तो। क्योंकि बिहार ने इस अध्ययन के बाद ये बता दिया है कि कितना जीवन बदल जाता है, यहाँ तक कि जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हैं वो कम हो गए हैं, और घर का वातावरण ठीक हो गया है, आप घर बनाने लगे हैं, यानी तमाम समस्याओं की ये जड़ है। ये एक तरह से मानसिक विकृति पैदा करती है, जिसके बाद लोग अपने आपे में नहीं रहते हैं। और ये सिर्फ आम रियाया की बात नहीं है, सरकारों की बात है, कि अगर आपको अपने सूबे की, अपने मुल्क की तरक्की करनी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की योजनाएं लाइए। इसलिए भी लाइए क्योंकि हमारा देश गरीब देश है, हमारे देश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी भूखे रहते हैं। तो ऐसे मुल्क में अगर हमें कुछ चीज़ों पर सख्ती करनी पड़े तो करनी भी चाहिए। हम इनकम टैक्स रिटर्न में सख्ती करवा रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं आधार कार्ड से जोड़ दी जा रही हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट ऐसे रहें, बैंक अकाउंट को कनेक्ट किया जाए, काले धन पर नज़र रखी जाए, लेकिन ये जो ज़मीन पर एक आपको खौफ या ड्रैगन रेंगता दिखता है, उसको कैसे आप रोक लगाएंगे। इसीलिए सरकार को भी सख्ती दिखानी चाहिए, और कुछ मामलों में सिर्फ कमाई नहीं देखी जा सकती। जनता क्या कहती है, जनता की क्या आवाज़ है, आइए सुनते हैं। बिहार में जो शराबबंदी की गई वो एक अच्छा कदम है, और इसका प्रभाव निश्चित रूप से वहाँ के समाज में पड़ा है। स्टेट में नशाबंदी है और दुकानें नहीं रहेंगी, आसानी से लोगों को शराब नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि गरीब आदमी शराब से बचेगा और उस पैसे को अपने बच्चों को खाने पीने पर और पढ़ाने पर खर्च करेगा और समाज में सुधार आएगा। जो प्रदेश को चलाने के लिए उनको चुना जाता है वो राजा के रूप में होते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि जिससे हमारा समाज बेहतर हो सके, प्रदेश बेहतर हो सके, वो काम करना चाहिए। हमको पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। या होगी तो लोग जो है दूसरी चीज़ों पर आने लगेंगे, कहीं को और नशा इस्तेमाल करेंगे, कहीं चरस है, भांग है, तो इससे जो है शराब से जो नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा दूसरे नुकसान की ओर जाएंगे। तो मतलब कुछ इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, हमारे ख्याल से ये हमारा विचार है कि इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा देनी चाहिए कि जो इसको खरीद ना सके जो गरीब। हाँ, शराब से अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, और भी रेवेन्यू जनरेट करने के और भी साधन है, उन साधनों को सरकार अपनाए और इसको पूरी तरह से पढ़िए। अगर नशा बंद कर देंगे और नशाबंदी सरकार कर देगी तो उत्तर प्रदेश में उसकी शान उल्टे शब्द से बढ़ेगी, कि वो शान से कह सकेगा कि हमारी हो। अगर शराबबंदी होती है तो उत्तर प्रदेश में क्राइम रुक जाएगा, विकास की दर बढ़ जाएगी, व्यापार और उद्योग जो लगातार प्रभावित होता है वो प्रभावित भी नहीं होगा, और मुझे लगता है कि
सही में उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन शराबबंदी के बाद आ जाएंगे। टैक्स से जो आमदनी होती है उसको ना रोका जाए, बल्कि जो उससे आमदनी होती है वो विकास के लिए है, और जो अनऑथराइज शराब बिकती है उस पर अंकुश लगाया जाए। चीज़ है तो बुरी चीज़ को तो बंदी करना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, शराब हो चाहे कोई भी चीज़ हो, बीड़ी सिगरेट हो चाहे शराब हो, कोई भी चीज़ हो, बुरी आदत तो बुरी आदत ही है, इसलिए शराब तो बंदी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो समाज पे शराब का बहुत बुरा असर पड़ता है, इसमें अपने शरीर का भी नुकसान है, पैसों का भी नुकसान है और परिवार का भी नुकसान। बर्बादी, शरीर की बर्बादी, पैसे की बर्बादी है ना, घर में लड़ाई झगड़ा, क्या कहते हैं, सबसे खराब शराब जो सब चीज़ की नुकसानदायक जड़ है। मैं तो कहूँ अगर मोदी इसे बंद कर दे तो सबसे अच्छी बात है। बंद कर देनी चाहिए सरकार को, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो भी शराब बंद करनी है वो छोटी वाली शराब करें, बड़ी शराब नहीं। बड़ी तो जो बड़ा आदमी लेगा, जिसका 1000 रुपये खर्च करेगा वो तो पी, वो लड़ाई नहीं करेगा। जो लड़ाई जो लड़ेगा वो लड़ेगा 10 रुपये वाली या 20 रुपये वाली, 50 रुपये वाली पे। तो आपने देखा लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर अगर मेजॉरिटी कहें तो उनका यही कहना है कि शराब को बंद होना चाहिए, और बंद इसलिए होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ जो समाज में तमाम तरह के अपराध होते हैं या फिर हमारे घरेलू जो झगड़े होते हैं उस पर रोक लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ बैन है शराब। गुजरात में 1948 से शराब पर बैन लगा हुआ है, नागालैंड में 1989 से शराब पीने पर और बिक्री पर बैन लगा हुआ है, मणिपुर में 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में 1991 से शराब बैन है, केरल में 2014 में शराबबंदी की घोषणा हुई थी, अलग अलग फेज में शराबबंदी को लागू किया जा रहा है, लक्षद्वीप में बंगा राम द्वीप को छोड़कर हर जगह शराबबंदी है, बिहार में अप्रैल 2016 से शराब की बिक्री और पीना बैन है, मिजोरम आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भी बैन किया गया, हालांकि इन राज्यों में शराब की बंदी फेल रही। बिहार सरकार ने कैसे किया लागू, ये अब जानने वाली बात है कि इस तरह से इतना सक्सेसफुली बिहार में कैसे लागू हुआ है। हालांकि 100% तो नहीं होगा, लेकिन लोग छुप छुप के ज़रूर इस तरह के कुकर्मों में लगे होंगे, लेकिन तब भी ये जो आंकड़े बताते हैं, ये बताते हैं कि एक सक्सेस स्टोरी है शराबबंदी के पीछे। शराबबंदी से पहले बिहार में 5,967 दुकानें थीं, बिहार में सालाना 1,410 लाख लीटर शराब की खपत थी। बिहार सरकार ने 2015-16 के लिए 4,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, यानी बिहार सरकार ने 4,000 करोड़ का राजस्व छोड़ दिया, जबकि बिहार के कुल राजस्व का 13% शराब से आता था। फिर भी सरकार अपने फैसले पर पिछले 2 सालों से कायम है। पिछले 2 सालों में सरकार की किसी योजना में कटौती नहीं हुई है। दूसरे माध्यमों से बिहार में कुल राजस्व कर 3 गुना बढ़ा है, ये भी जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि 3 गुना बढ़ा है, और यूपी में राजस्व से प्रेम, सरकारी राजस्व में आबकारी विभाग का सबसे अहम योगदान है। 1 लाख कर राजस्व वाले प्रदेश में 19% हिस्सा शराब से है, यानी 13% बिहार से है, 19% यानी 6% का फर्क है। 2016-17 में 19,250 करोड़ का राजस्व शराब से आया था, और 2017-18 के लिए योगी सरकार 20,593 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि कोई भी सरकार वो ये चाहती है कि हर साल हमारी शराब बहुत बिके। और फिर दिक्कतें और आयरनी भी होती है कि एक तरफ हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आबकारी विभाग है, दूसरी तरफ मद्य निषेध विभाग है, यानी दोनों विभाग, मद्य निषेध विभाग ये कहता है कि आप शराब मत पीजिए और रोक लगाइए, उसका अपना एक आंकड़ा होता है कि इस आंकड़े तक हमको जाना है, और प्रपोजल रखते हैं कि हम इस बार इतने लोगों की शराबबंदी कराएंगे, और दूसरी तरफ आबकारी विभाग जो हर बार एक नया आंकड़ा पेश करता है, यानी कि हम ज़्यादा शराब पिलाएंगे। तो ये आयरनी भी है कि सरकारें दो दो विभाग चलाती हैं और दोनों विभाग बिल्कुल उल्टी दिशा में हैं, तो इसको भी समझना होगा कि आखिरकार ये उल्टी दिशा के दो विभाग एक साथ कैसे चल सकते हैं। तर्क है कि विकास योजनाओं के लिए राजस्व बेहद ज़रूरी है, दावा है कि राजस्व का 99% विकास परियोजनाओं में खर्च होता है, हालांकि शराब से होने वाले हादसे, अपराध और तमाम ऐसे विषय जो शराब की वजह से होते हैं नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, इससे पब्लिक के
हेल्थ और सामाजिक न्याय से भी समझौता हो रहा है। पुलिस और न्याय व्यवस्था पर सरकारी खर्च बढ़ जाता है, ये हिडन खर्चे हैं जो हमें नहीं दिखते। और एक्सीडेंट तमाम शराब पीने के बाद तमाम एक्सीडेंट आपने देखे होंगे जिससे आदमी का नुकसान होता है, वो नुकसान की भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती और दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। अगर किसी के घर का एक आदमी शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट में मारा जाता है, और कभी कभी तो ड्राइवर अपने तो मरता ही है, बाकी 10 लोगों की जान और ले जाता है। जितना राजस्व हासिल होता है शराब की वजह से ज़्यादा खर्च होता है, स्टडी के मुताबिक 60% ज़्यादा खर्च होता है। क्या कहना है आबकारी मंत्री का शराब बंदी को लेकर? आबकारी मंत्री ने विधानसभा में बयान दिया कि पाबंदी लगाने से अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, वो तो आज भी चल रहा है, तो आप उसको कैसे रोक पाए हैं, वो क्यों नहीं रोक पाए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अवैध शराब खूब बिक्री होती है, इसके पीछे एक पूरा माफिया का नेटवर्क काम करता है और लोग इस तरह की शराब पीकर बेमौत मारे भी जा चुके हैं, तो ये कोई तर्क नहीं है कि अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप शराब को रोक देंगे पूरी तरह से तो अवैध शराब कहीं भी होगी उसको काबू करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ नकली शराब भी होती है, यानी लेवल ब्रांडेड शराब का है और उसके अंदर नकली शराब भरी जा रही है, तो वो भी एक कारोबार है। इसकी वजह से व्यापक जनहानि की आशंका रहती है। जनहित और राजस्व हित में शराब बंदी लागू करना उचित नहीं है। अब ये सोचना होगा कि हमारे देश में किन किन चीज़ों पर कड़े उपाय होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में है ये कि नीतियां जो हैं वो बहुत, जिसे कहा जाए कि ठोक बजा के नहीं शुरू की जाती हैं, क्योंकि अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो वहाँ पर धर्म जात ये सब आ जाता है सामने, कि जनसंख्या पे कानून बनना चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए उसको कोई छूना नहीं चाहता है। अगर हम शराबबंदी की बात करते हैं तो उसको कोई नहीं छूना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं कि राजस्व बढ़े। और तमाम ऐसा इतना बड़ा नेक्सस है पूरे हिंदुस्तान में कारोबारियों का कि उनके हित इतने बड़े हैं कि उसको ठीक से चोट पहुँचाने में सक्षम नहीं है सरकारें, जबकि सबसे बड़ा हित आम जनता का है कि आम जनता की भलाई किसमें है। और उस देश में जहाँ पर गरीबी हो, जो देश अभी गरीबी से, सूखे से और गरीबी के साथ साथ उन बच्चों के पास पढ़ाई तक के साधन नहीं है, सिर्फ हमने तमाम मामले ऐसे देखे हैं जिन मामलों में पिता सिर्फ अपनी पूरी की पूरी कमाई शराब में उड़ा देता है, तो वो अगर आप नहीं रोक सकते तो आप इसको तो रोक सकते हैं जो आपके हाथ में है। यूपी में शराब की कितनी दुकानें हैं? 2017-18 में उत्तर प्रदेश में देसी शराब की 14,459 दुकानें, अंग्रेजी शराब की 5,650 दुकानें, 4,833 बियर शॉप, 407 मॉडल शॉप के अलावा करीब 2,500 भांग के ठेके हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 25,349 मैखाने हैं। रियलिटी क्या कहती है? इतने तो स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है। 25,349 मैखाने के मुकाबले राज्य में स्कूल अस्पताल उतने नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में महज 20,720 कॉलेज ही हैं। वहीं 22 करोड़ की आबादी के लिए महज 5,095 अंग्रेजी अस्पताल हैं, 2,114 आयुर्वेदिक और 1,575 होम्योपैथिक हॉस्पिटल हैं। होम्योपैथिक हॉस्पिटल जो हैं वो इतने ही हैं, यानी राज्य में हर 8,484 अस्पताल ही हुए। इन स्कूलों और अस्पतालों में जो कंडीशंस हैं बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब है। हमें करीब 15,44,00,000 लीटर देसी शराब की बिक्री हुई, इस दौरान 3.5 करोड़ लीटर विदेशी शराब भी बिकी है। 14-15 में 28,54,00,000 देसी शराब की बिक्री हुई है, अंग्रेजी शराब की 9,33,00,000 लीटर एक साल में देसी शराब की खपत आधी हुई। वहीं विदेशी शराब की खपत 1/3 से भी कम रही है। 2001-02 में शराब 1,963 करोड़ की कमाई कर चुकी थी, 2015-16 में 14,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है ये आंकड़ा। भारतीय संविधान की धारा 47 राज्य अपनी जनता के पोषक और भोजन और जीवन निर्वाह के स्तर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रारंभिक कर्तव्यों में मुख्य समझेगा, और विशेष रूप से राज्य ये प्रयत्न करेगा कि नशीले पेयों, नशीली दवाइयों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं प्रयोग का निषेध हो, सिवाय उनके जो चिकित्सा के काम की हैं। ये हमारा संविधान कहता है, तो अभी हमें ये तय करना है कि हमें संविधान की माननी चाहिए कि सिर्फ धन
उगाही की माननी चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। संविधान के खिलाफ काम क्यों, आज़ादी के 70 साल बाद भी सरकारें पालन क्यों नहीं करती है, पोषक भोजन और उच्च जीवन निर्वाह करने में विफल रही हैं। आज भी देश का हर चौथा आदमी भूखा है, हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। सरकार शराब के उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहित करती है। सरकार की आबकारी नीति गुमराह करने वाली दिखती है। एक तरफ सरकार शराब की बिक्री कराती है, दूसरी तरफ मद्य निषेध, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो ये एक ऐसी बुराई है जिसको दूर करना ज़रूरी है। अगर हम गांधी जी को मानते हैं तो गांधी जी ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया, वो भी कहते थे शराबबंदी हो जानी चाहिए। तो हम बात तो गांधी की करते हैं लेकिन काम गांधी जी जैसे नहीं करते हैं। तो इस तरह की ये जो दो सोच है वो क्यों है कि शराब से हमें इतना प्रेम है, और शराब से मुक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि अभी देश को शराब से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, देश को शराब से ज़्यादा दो जून रोटी की ज़रूरत है, देश को शराब से ज़्यादा हर एक सर पर छत की ज़रूरत है, देश को शराब से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत है, देश को शराब से ज़्यादा महिलाओं की इज्जत बचाने की ज़रूरत है। तो जब हमारे पास इतने सारे मुद्दे होंगे तो फिर हमें शराब को ना कहना ही चाहिए। अब जिक्र करता हूँ मैं, जानना ज़रूरी है, ये खबर बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि शायद अगर स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हों तो उनको भी देखना चाहिए, और वहाँ के आला अधिकारी देख रहे हों तो उनको भी देखना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री रोज़ निर्देश देते हैं लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में डॉक्टरों का जो दिमाग है वो किस तरह का है, उनकी दिमागी हालत किस तरह की है, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं और सच्चाई क्या है। ये खबर है कुशीनगर की, मैं आपको दिखाता हूँ कि भले ही प्रदेश में सरकारी ऐलान हो रहे हों और सरकार ये कह रही हो कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सजग हैं, और मंत्री कह रहे हों कि हम फौरन कार्रवाई करेंगे अगर कहीं गड़बड़ी दिखी, तो लगता है कि कहीं इन डॉक्टरों के कान में जू क्यों नहीं रेंगती है। सरकार दिमागी बुखार से निपटने के लिए कई योजनाएं चला रही हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सूबे के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए नई नई कोशिशें कर रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर उस पर पलीता लगा रहे हैं। कुशीनगर की ये तस्वीरें देखिए। आप हमें फेमस परमिशन लेके आ जाइए, फिर हम लिख देंगे, ठीक है? लिखित नहीं, तो अभी सर लिखित में क्या लेके आए हम? आप लिखित सर लिखित में क्या? जिला अस्पताल में तैनात विभागीय अधिकारी वार्ड के प्रभारियों के साथ मिलकर हमारी खबर को लेकर जब हमारी वहाँ टीम गई और बात की तो गोलमोल कर रहे थे। जब उनके गोलमोल को खुलासे की कोशिश की गई तो डॉक्टर साहब गुंडई पुत्र आए। दरअसल इंसेफलाइटिस के लिए बने विशेष वार्ड के प्रभारी डॉक्टर राघव अग्रवाल मरीजों का फर्जी आंकड़ा दिखाकर सरकारी दवाओं का गोलमाल करने में लगे थे, इस तरह का आरोप है। और जेई और एस से पीड़ित बने वार्ड में एक भी बच्चा मौजूद नहीं था, जबकि रजिस्टर में चार बच्चों का नाम दर्ज है। इस गोलमोल की जानकारी लेने के लिए जब मीडिया की टीम वार्ड पहुंची तो अग्रवाल साहब गुंडई पर उतर आया और मीडिया कर्मियों को धमकी देते हुए बाहर निकलने को कहा। इस मामले पर जब सीएमएस से जानकारी ली तो उन्होंने पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए कहा। अब एक बार पूरा सुनिए कि किस तरह से वो कैमरे पर हाथ मार रहे हैं, किस तरह से वो अपनी करतूत को छुपाना चाहते हैं और कितने झूठे तरीके से वो हॉस्पिटल को चला रहे हैं, सुनिए। सर लिखित में क्या लेके आए हम? सर क्या लिखवा के लेके आए बॉस? आप हमारे सीएमएस से परमिशन लेके आ जाइए। क्या लिखवाए वही तो पूछ रहे हैं हम, क्या लिखवाए कि आपको जो करना है यहाँ पर आप वो लिखवा के आइए। नहीं, हम कुछ करने नहीं आए, हम स्थिति जानने आए हैं। हम स्थिति जानने आए हैं कि कितने पेशेंट एडमिट हैं और जो जेईई के पेशेंट है सर वो बाहर घूम रहे हैं। नहीं, मैंने देखा सर पूरा हॉस्पिटल, वही जानने के लिए मैंने आपको फोन आपसे बात करने के लिए हम वही जानने आए थे, तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया, परमिशन की बात कर रहे हैं। क्या जेईई के पेशेंट को अंदर खाना नहीं मिलता कि बाहर खाना? बाहर खाना खिला रहे हैं भैया, आप पूछ लीजिए। पूरा पूरा है ये, मेरे अंदर में नहीं आती है चीज भाई साहब, आप लोग मुझसे क्यों मारो ये चीज? तो यही पूछने के लिए तो हमसे पूछ रहे थे, तो आप तो अंदर हो गए सर। आप पूछ सकते हैं, आप सब धमकी देने लगे, आप सब धमकी देने लगे मुझे लेके। मैं धमकी सर, आप रिपोर्टर को धमकी देने लगे हैं? मैं कौन धमकी दे रहा हूं यार? आप कह रहे हैं आप बुलवा रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात मत कीजिए, बहुत महंगा पड़ रहा है, गलत बात मत कीजिए भाई। मैंने आपको कब, मैंने आपसे कब कैमरा में छुई, कैमरा में छुई, मैंने आपसे कब मांगा? देखिए सर, जेईई के बच्चों का क्या रेशियो है अभी, कितना एडमिशन है? यहाँ अभी एक भी बच्चा एडमिट नहीं है सर, पूरे बेड खाली हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है?
सर मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। सर वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बाहर रहती है क्या? एक पेशेंट का तो सब कुछ यहीं रहता है, ओपीडी में होता है ना, मतलब जहाँ एडमिट है वहाँ पेशेंट का। तो अभी सर हम गए हैं वहाँ कोई पेशेंट नहीं है, पेशेंट बाहर खाना खा रहा है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सर वो ठीक से टैकल नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आपसे परमिशन लेके आए तब हम जाएंगे कहीं भी हॉस्पिटल। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, आप चले जाइए। ऊपर से लड़ने को तैयार, लड़ने को तैयार है। और जो JEE के पेशेंट है सर वो बाहर घूम रहे हैं। सर JEE के बच्चों का क्या रेशियो है, अभी कितना एडमिशन है? तो आपने देखा कि जब इन साहब से, इन डॉक्टर साहब से पूछा गया कि यहाँ के यहाँ पर पेशेंट क्यों नहीं है, तो वो देखिए बगले झांक रहे, इधर उधर घूम रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दें। ये इलाका गोरखपुर के पास है जहाँ पे जापानी इंसेफलाइटिस का प्रकोप है, लेकिन ये डॉक्टर साहब अब देखिए कितनी बेशर्मी से बैठ गए हैं और नाक अपनी खुजला रहे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है। शायद इसीलिए वो अंदर रिपोर्टर्स को आने नहीं देना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत और मशक्कत कर दी। इतनी मेहनत और मशक्कत अगर वो इलाज में करते तो वो ये जवाब दे पाते कि ये बेड खाली क्यों हैं। और यहाँ पर जो रजिस्टर में भर्ती दिखाई गई है वो चार पेशेंट की भर्ती दिखाई गई है, लेकिन वहाँ मौजूद एक भी नहीं था। ये बहुत संगीन मामला है, ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। CMO कार्रवाई करें, अगर CMO कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर जो हमारे प्रदेश के काबीना मंत्री हैं उनको ऐसे डॉक्टर्स को ऐसी जगह से, ऐसी संवेदनशील जगह से फौरन हटा देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं गुजारिश भी करूँगा कि जो सिद्धार्थनाथ सिंह हैं उनको इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि संदेश भी कड़ा जाए। अब चलते चलते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो हमने मुद्दा उठाया था शुरुआत में, वो मुद्दा बहुत अहम है और संवेदनशील है, और संवेदनशील इसलिए है कि हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी बुराई बनकर उभरा है, वो उभरा भी इसलिए है क्योंकि हमने ये शराबबंदी जैसी चीज़ों पर गौर नहीं किया है, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं समझते। लगता है कि कोई दूसरा शराब पी रहा है, हमसे क्या मतलब है। लेकिन ज़रूरत है आज कि आप शराब से नहीं, शराब से दूर रहें, यानी झूठ से दूर रहें, क्योंकि वो आपको थोड़े दिन, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको लगता हो, आपके मन में कन्फ्यूज़न हो कि वो कुछ दे देगा, कुछ सुकून दे देगा, लेकिन आप अगर सच के साथ रहेंगे तभी आपको सुकून मिलेगा, वरना झूठ का दामन पकड़े रहेंगे तो इसी तरह की नशे की गिरफ्त में रहेंगे। तो हर नशे की गिरफ्त से आप दूर जाइए, कोशिश करिए कि इस प्रदेश के और देश को नशा मुक्त बनाएं, और हम सब की ये कोशिश भी होनी चाहिए और सरकारों की भी कोशिश भी होनी चाहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है तो देश को नशे से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप भारत समाचार के साथ। अगर आप अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं तो फेसबुक, जीमेल और ट्विटर पर जो नीचे एड्रेसेस लिखे हैं उस पर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।